बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद इरम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल और मज़ेदार और चटपट तैयार होने वाली बैचलर बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बैचलर्स और जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, क्योंकि बहुत ही ईजी वे में इस बिरयानी को हम बनाएंगे। तो बगैर स्किप किए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हमें चाहिए 4 कप सेला चावल। सेला चावल को अच्छी तरीके से धो के 1 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो दिए। अगर आपके पास सेला चावल ना हो तो आप बासमती राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनको सिर्फ 30 मिनट के लिए आप पानी में भिगो दें तो काफ़ी है। तो सबसे पहले बर्तन में मैं डाल रही हूँ 1/2 कप ऑयल, और अब इसमें हम 4 प्याज स्लाइस किए हुए डाल देंगे। अब प्याज को हमने हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो प्याज का ज़्यादा हमने कलर चेंज नहीं करना, लाइट गोल्डन कलर इसका आ गया। अब इसमें डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ लहसुन और अदरक, और इसको भी 2 से 3 मिनट प्याज के साथ भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट गुजर गए, अब 1 किलो मैंने चिकन ले लिए। चिकन को हम इस प्याज में डाल देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर इसको भूनेंगे। तो व्यूअर्स देखें, 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को मैंने भून लिए, चिकन का कलर भी चेंज हो गया। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 अदद कटे हुए टमाटर, और दोबारा से टमाटर को भी चिकन के साथ 4 से 5 मिनट के लिए हम भून लेंगे। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला। ये रेडीमेड बिरयानी मसाला हम डाल रहे हैं, क्योंकि ये बैचलर्स के लिए और बिगनर्स के लिए है, तो बहुत इजी वे में इसको हम बनाएंगे, तो इसलिए रेडीमेड हम मसाला इस्तेमाल करेंगे। ये तकरीबन ले लिए मैंने 4 चम्मच, या आम जो पैकेट एक मिलता है वो मैंने डाल दिए। और अब इन तमाम चीज़ों को 4 से 5 मिनट हम भूनेंगे। इसके अलावा किसी किस्म का कोई और मसाला हम नहीं डालेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इजी वे में ये मैं बनाना बता रही हूँ। अब हम आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप दही। दही को हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार मसाले की खुशबू आ रही है, देखें दही भी अच्छा सा मिक्स हो गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। 1-1 गड्ढी हरे धनिए की और 1 पुदीने की मैंने ले लिया, और इसमें से हाफ जो है वो अभी डाल रहे हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ 3 अदद हरी मिर्चें, और इसको अब हम हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब चावल बॉईल करने के लिए एक बर्तन में मैंने 2.5 लीटर पानी डाल दिए, और चावल बॉईल करते वक्त हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद दालचीनी के पीस, 3 से 4 अदद लौंग, 1 बादयान का फूल और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। अब पानी को बॉईल होने देंगे, और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 2.5 चम्मच नमक। तो पानी बॉईल होने शुरू हो गया, अब जो चावल हमने भिगो के रखे थे उसमें से पानी निकाल देंगे, और इन चावलों को इस उबलते हुए पानी में डाल देंगे। एक बार इस तरीके से चम्मच चला देंगे, और तेज़ आंच पर चावल को हम बॉईल करेंगे, और चावलों को हमने 90% कुक करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 90% हमारे चावल बॉईल हो चुके हैं। तो अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। अब जो चिकन का हमारा मसाला था वो भी तैयार हो चुका है, देखें पानी जो था वो खुश्क हो गया और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया। तो ये चिकन का कोरमा भी बिरयानी के लिए तैयार हो गया। अब हम देसी में सबसे पहले चावल की तह लगाएंगे, इसको इक्वल कर देंगे। इसके बाद जो चिकन का कोरमा हमने तैयार किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद जो कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना हमने रखा था वो डाल देंगे, और दोबारा से इसके ऊपर चावल की तह लगा देंगे। अब यहाँ पर ऑरेंज कलर मैंने ले लिए, ये इसके ऊपर डाल देंगे, ये टोटली ऑप्शनल है, इससे ये है कि बिरयानी और ज़्यादा प्यारी लगेगी।
अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको दम पर रख देंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं, इस तरीके से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, चिकन भी बिल्कुल अच्छी सी पक चुकी है और चावल का एक एक दाना अलग है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बैचलर बिरयानी रेडी है। और आप इस मज़ेदार और गरम गरम बिरयानी को डिश आउट कर लेते हैं तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंदीदा डिश मैं आप लोगों को बनाने सिखाऊँ तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें टेस्टी फूड विद इरम।